ये भी तिलवान है, ये भी बुद्धि की जो ये तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुप्ति, ये तीनों प्रकृति के गुणों से उत्पन्न है, गुणमय है। जैसे पहले कहा गया कि आत्मा को अर्थात श्री भगवान को और जीवात्मा को कैसे भौतिक पदार्थों से अलग करें, कैसे समझें कि अलग है, इसी की व्याख्या श्री प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। ये भी इनके द्वारा मतलब सत्व, वर्ण और तम जो तीन गुण है प्रकृति के हैं, इन तीनों गुणों से बनी हुई बुद्धियां हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था से सुप्ति। जीव वास्तव में न जगता है और न सोता है, न सपना देखता है। जीव एक रस रहता है, लेकिन सोती है बुद्धि, जगती है बुद्धि और सपना देखती है बुद्धि। ये त्रिगुण है, बुद्धि के भेद है, बुद्धि के प्रकार है, जो क्रियोद्भव कर्मों से उत्पन्न होते हैं। विविध कर्म करता है कोई जीव, इसलिए वो सपना देखता है और इसी कारण से जागरूक अवस्था में रहता है और सोता है। तो जगना, सोना, सपना देखना ये आत्मा का काम नहीं है, ये मन का काम है, बुद्धि का काम है। तो बुद्धि की चेष्टाओं को और उसके स्वरूप को समझना चाहिए और आत्मना स्वरूप, और इन सबसे पृथक आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए। आत्मना स्वरूपम बुद्धि, आत्मा के स्वरूप को समझने की चेष्टा करें। श्री प्रहलाद महाराज छोटे छोटे बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन विषय है, गंभीर विषय है, परंतु श्री प्रहलाद महाराज ने शुरू में कहा है कि इसमें श्रद्धा करने पर बच्चे भी इसको समझ सकते हैं और स्त्रियां भी समझ सकती हैं। तो फिर प्रौढ़ पुरुषों के लिए क्या कहा, जो पढ़े लिखे हैं और विशेष करके भक्त हैं, उनको समझने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। कम बुद्धि के बच्चे भी इसको समझ जाएंगे और माता जी लोग भी समझ जाएंगे, क्योंकि इस उपदेश का मूल श्रोता स्त्री ही है, माता कयाधु, प्रहलाद महाराज की माता, और उसके गर्भ में स्थित श्री प्रहलाद महाराज छोटे से बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में, गर्भस्थ शिशु के रूप में श्रोता है, और गर्भ में सुने हुए उस उपदेश को असुर बालकों को सुना रहे हैं अपने टीचर की अनुपस्थिति में। किसी कारण से सन और अमर दोनों अध्यापक स्कूल से बाहर थे, तो प्रहलाद महाराज ने बच्चों को बुलाया, तो सुनो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो उनका इतना बड़ा गौरव है, एक तो वे राजकुमार थे, गणेश कश्यप के पुत्र थे, और शील स्वभाव बहुत अच्छा था, इसलिए सभी बच्चे उनकी बात मान करके एक जगह इकट्ठे हो गए और प्रहलाद महाराज ने प्रारंभ किया, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मानुभावतां। बचपन में ही भक्ति करनी चाहिए, आगे चलकर के भक्ति करने में बहुत विघ्न है, बाधा है, इसका उन्होंने वर्णन किया। और अंत में जो
नारद मुनि के मुख से सुने थे, आत्मा और देह का प्राकृतिक पदार्थ का विश्लेषण विवेक और भगवान की भक्ति के बारे में जो प्रवचन सुन थे उसको उन्होंने बताया जो सातवें अध्याय में वर्णित। तो प्राकृत पदार्थ स्थूल ये आत्मा नहीं है ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन सूक्ष्म बातें समझ में आती नहीं। ये बुद्धि अलग है आत्मा से, जैसे यह स्थूल शरीर एक कवर है वैसे ही आत्मा के ऊपर बुद्धि या मन या अहंकार ये सब उपाधि है, कवर है, और आत्मा उसी में आत्मबुद्धि कर लेता है, अपने को मन समझने लगता है। जैसे किसी को यह भावना हो कि मैं विद्वान हूं, मैं जानता हूं, तो यह आत्मा का उद्गार नहीं है, वास्तव में यह मन का उद्गार है, बुद्धि का उद्गार है। तो इसको प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ये जो त्रिवर्णयी तीन अवस्थाएं हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो ये पर्यस्तय का शास्त्रों के विचार द्वारा ये पूरा पूरा सिद्ध है कि ये आत्मा नहीं है, निरस्त है, अनात्मत्व न निरस्त, निरस्त पर्यस्त करते निरस्त निरस्त, इनको सिद्ध कर दिया गया है कि ये आत्मा नहीं है। जागृत अवस्था ये आत्मा की वृत्ति नहीं है, और सपना भी और सोना भी गया। इसीलिए भक्ति में ठाकुर कहते हैं जीव जागर जीव जागर। तो जागृत अवस्था में ये सुनने वाले जीवों को ही समझा रहे हैं, जीव जागर जीव जागर, अरे जीव जगो जगो। तो प्रश्न हो सकता है कि क्या जीव सो रहा है? भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं हाँ, और बहुत गाढ़ी निद्रा में सो रहा है। कतर निद्रा जाओ माया पिशाची गोद, माया पिशाची की गोद में कितनी देर तक सोए रहोगे? जगो जगो। और वास्तव में ये बात भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जीव जागो गोरा चांद बल कतई निद्रा जाओ माया के सचिव को। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं जीव जागो जागो, कितना सो रहे, मैं तुम्हारे लिए अवतार लिया। तुम्हारे लिए उतार लिया कुछ वस्तु देने के लिए, लेकिन एक शर्त है, उसे मांगना पड़ेगा, उसे मांगोगे तब दूंगा, और कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक शर्त है, इच्छा करनी पड़ेगी, मांगना होगा। औषधि माया नासी दर लागे, मैं माया को नष्ट करने के लिए औषधि मैं औषधि लाया हूँ। तो कौन सी औषधि है? हरि नाम महामंत्र, भगवान का नाम
या औषधि लाया, तो अगर जीव कहें कि दे दीजिए, जब लाए हैं गोलोक से तो इसको दे दीजिए, तो भगवान कहते हैं लवो तुम मांगी, इसको तुम मांगो कम से कम। ये शर्त है, मांगना पड़ेगा। मांगना कोई और क्वालिफिकेशन के साथ नहीं, केवल लालसा, भगवान के नाम को जपने की लालसा। हरि नाम महामंत्र लो तुम मांगी, इसको तुम मांग लो। यह सुन करके भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के चरणों में गिर गए और हरि नाम ले लिए। भगवती विनोद प्रभु चरणे पड़ी या सही हरि नाम मंत्र लैला मांग लिया, मांग कर ले। तो इस तरह से जीव सब अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं। ये बहुत भयावह स्थिति है। क्रियोद्भव अनेक जन्मों तक अनेक प्रकार के कर्म करता है जीव, विशेष करके मनुष्य शरीर में बहुत बहुत कर्म, और उन कर्मों से बुद्धि का निर्माण भी होता रहता है नए नए प्रकार से। जितना आदमी कर्म करता है तो कर्मों की वासनाएं बुद्धि में धसती जाती है, बुद्धि वैसे ही होती जाती है। त्रिगुणमय बुद्धि से कर्म होते हैं और विविध कर्मों से बुद्धियों का निर्माण होता है। उद्भव का अर्थ है उत्पन्न नहीं होती है, वे परिणत होती रहती है। जैसा कर्म करते हैं वैसी बुद्धि होती है, कर्मों पर आधारित है बुद्धि। इसलिए ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे बुद्धि भगवान में लगे। गायत्री मंत्र आदि जो हम लोग जपते हैं तो उसमें भगवान से यही प्रार्थना है, धियो यो न प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, अपने चरण कमल में लगा रहे, अपने स्वरूप में, अपने गुण में, लीला में लगा रहे, हमारी बुद्धियों को धियो न धियो प्रेरित प्रेरित करें। इस तरह से यह संपूर्ण प्राकृत जगत, केवल पृथ्वी पर मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग देवता आदि सब अज्ञान में है, अपने को नहीं जानते हैं। और अज्ञान का दूसरा फेर है कि वे जो नहीं है उसी को मैं मान, द्वितीय को मैं मानता हूँ, भयम द्वितीय विनिवेश। और जब जीव अपने को भूल करके दूसरे पदार्थ में आत्मा विमान करता है तब वहीं से भय चालू होता है, जिससे जन्म मृत्यु आदि करना पड़ता है। आत्मा के अतिरिक्त देह में या मन में बुद्धि में अभ्यास करना यही भय का मूल कारण है। भयम द्वितीय अभिनिवेश, द्वितीय अभिनिवेश, द्वितीय अभिनिवेश से जीव की एक सब अजहत होती है। इसलिए श्री प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं, सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने को समझ लेना, हम बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, अहंकार नहीं है,
और ये जड़ शरीर नहीं है। तो आत्मा की उपस्थिति से बुद्धि भी चेतन लगती है, ऐसा समझ में आता है ना, कि कैसे कहें कि बुद्धि जड़ है लेकिन वास्तव में वह जड़ है और कर्मों से उसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए आत्मना स्वरूपम, आत्मा के स्वरूप को बुद्धि पर समझना चाहिए। कैसे समझेंगे तो वे कह रहे हैं गंधर्व वायु मिलान होया, जिस तरह फूलों के गंध को लेकर चलने वाली वायु को हम समझ जाते हैं। तो गंध वास्तव में पुष्प का है, वायु का नहीं है, वायु उसको धो करके लाती है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये हवा गुलाब के सुगंध से भरी है, गुलाब का सुगंध है, गुलाब के पुष्प से है, हवा केवल उसको लेकर आ रही है। इसी तरह से भगवान चेतना देते हैं बुद्धि को और बुद्धि कुछ सोचती है, काम करती है, मन काम करता है। वास्तव में यह प्रकृति का है, जड़ है, यह भगवान का नहीं है। जैसे गंध हवा में नहीं है, हवा की वह सुगंध नहीं है, वास्तव में वह किसी पुष्प के सुगंध है, हवा उसको लेकर आती है। इस तरह हमारे शरीर में मन बुद्धि आदि भी चेतन प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में चेतन नहीं है। भगवान की चेतना से चेतनी भूत होते हैं। ये विषम दृष्टांत है। अन्वयात प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान सब में है, सब जगह है, इसलिए उन्हीं के कारण कोई भी वस्तु या मन बुद्धि चेतनीभूत होते हैं। इनमें चेतना नहीं है। तो चेतना जहां से निकल रही है, यहां से आ रही है, उसको अर्थात परम ईश्वर को, भगवान कृष्ण को समझना चाहिए। आत्मना स्वरूपम बुद्धि, आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए। जैसे गंध से हम हवा को समझ लेते हैं, गंध वास्तव में पुष्प की है लेकिन उसको धो करके वायु लाती है, वायु लाता है। तो हम कहते हैं ना कि ये गुलाब के सुगंध है या मोगरा के सुगंध है, चंदन के सुगंध है, हवा की सुगंध नहीं कहते, लेकिन सुगंध से हवा का पता लगता है। अगर सुगंध आ रही है तो इसका अर्थ है कि उधर से हवा आ रही है। यदि हवा न रहे तो फूल अपनी सुगंध को हमारे नाक के पास पहुंचा नहीं पाएंगे। इसलिए फूलों के सुगंध और हवा में जिस प्रकार अंतर है, और हवा की उपस्थिति हम लोग जान जाते हैं फूलों के सुगंध से। जिधर भी सुगंध फैलती है तो हम समझ जाते हैं कि उधर उधर हवा जा रही है। नाक में सुगंध आती है तो हवा वहाँ है,
हवा ही सुगंध लेकर के चल रहे हैं। तो इस तरह से जहाँ भी चेतना है बुद्धि में मन में ये इंद्रियों में, तो चेतना के मूल स्रोत श्री भगवान हैं, कृष्ण हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए। इस प्रकार अत्रैव मृग्यः पुरुषः, यहीं पर शरीर में इस प्राकृत जगत में हम भगवान को खोज सकते हैं। भगवान वैकुंठ में हैं, गोलोक में हैं, इसमें संदेह नहीं है, वो तो हैं ही, परंतु इसके साथ इस प्राकृत जगत में भी हैं, यहाँ तक कि वे हमारे देह में भी हैं, हमारे हृदय में हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अगर कोई ये सब बातें सुनने के बाद भी कहता है कि हमको अनुभव नहीं होता है कि भगवान है, तो वह मेरा मूर्ख व्यक्ति है। यदि भगवान नहीं होते तो कैसे हम बोल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, इंद्रियों में ये शक्ति कहाँ से आ रही है? ये सब समझना चाहिए कि सब भगवान से आ रही है, आत्मा से आ रही है। तो भगवान की उपस्थिति है और ये मिलेंगे, मिल सकते हैं, बहुत से लोगों को मिले हैं। तो शास्त्र प्रमाण है कि बहुत से लोगों को भक्ति करने पर भगवान मिले हैं। तो इन सब उदाहरणों से, शास्त्रीय वाक्यों से हमको विश्वास करना चाहिए कि भगवान मिले हैं, वे हैं। और जैसे द्वापर युग में भगवान अर्जुन को मिले, माँ यशोदा को मिले, श्री गोपी जनों को मिले, वैसे ही हमारे लिए सुलभ हैं। और उसी सौंदर्य के साथ, उसी बांसुरी के साथ, उसी मुस्कान के साथ वे सदा रहते हैं। केवल अपनी दृष्टि बदलना है कि भगवान को कैसे खोजना है और कैसे मिलना है, भक्ति के उपाय से। स्पष्ट शब्द है स्वरूपम आत्मनो बुद्धे, आत्मना मैंने आत्मा के अर्थात परमात्मा के, या अपने स्वरूप को समझने की चेष्टा करें। अपना स्वरूप है इन क्रियाओं से उत्पन्न तीन प्रकार की बुद्धि की वृत्तियों से रहित है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से परे। एक ऐसी अवस्था है आत्मा की, जीवात्मा की, उसकी अभी हम लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान के जो नित्य परिकर है वैकुंठ में, वो उस अवस्था में रहते हैं, नित्य मुक्त कहा जाता है। भगवान के साथ लीला विहार करते हैं, खेलते हैं, रहते हैं। वो अवस्था तीन अवस्था से परे है, उसको तुर्य चतुर्थ अवस्था कहते हैं। आपने सुना होगा विशेष करके इस हरिद्वार धाम में तुरीय शब्द का प्रयोग प्रयास होता रहता है, तुरीय अवस्था, तुरीय आश्रम, तुरीय चतुर्थ अवस्था, वो है नित्य मुक्त अवस्था। जब जीव भगवान के साथ भेंट करता है तो भगवान का दिव्य आनंद भोगता है, भगवान की सेवा करके, उनका दर्शन करके, उनके बांसुरी का गीत सुन करके, उनके नूपुर की आवाज सुन करके दिव्य आनंद में रहता है। उस अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। तो उस अवस्था को समझना चाहिए, हमारी वो सहज स्थिति है, स्वरूप है।
एतद् द्वारो संसार, एतद् द्वार संसार, संसार जीव की जो ये दशा है संसार, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चले जाना, अर्थात जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु का जो प्रवाह है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये चलता रहता है जीव का, तो इसको संसार कहते हैं। यह जो संसार है वो एतद् द्वारा, एतद् कहते बुद्धि, ये बुद्धि द्वारक है, बुद्धि के कारण ही यह संसार है जीव का, जीव का जन्म मरण है। गुण कर्म निबंधन, प्रकृति के गुणों के अनुसार यहाँ प्राकृतिक कर्म होते हैं और कर्मों से नितरम बंधन होता है, कर्म बांधते हैं। भगवान गीता में बारंबार इस बात को कहे हैं, लोकोयम कर्म बंधन, कर्मों से हम बंधेगा, जन्म लेना पड़ता है बारंबार, ये कंटिन्यूअस लगा हुआ है। जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु होने पर पुनः शरीर ग्रहण, और ये सब कार्य होता है बुद्धि के कारण, दूषित बुद्धि के कारण। जो बुद्धि संसारिक काम करने में लगी रहती है और संसार के भोगों का संग्रह करने में लगी रहती है, रुपया पैसा घर मकान यही सब चिंता में रहता है कि हमको अच्छा घर मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छा सोने को स्थान मिले और सब चीज सब तो प्राकृत है इस प्रकृति के राज्य में, माया जगत में वो जो भी चाहता है वे सब बंधन करने वाले होते हैं। गुण कर्म निबंधन, वो जो भी कर्म कर रहा है, वो कर्म चाहे पढ़ाई हो या कोई काम धंधा हो, सभी बंधन करते हैं। जीव काम करता है कि मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं, मैं सुख प्राप्त करूं, लेकिन वो और बंधता जाता है। नितराम बंधन निबंधन, नितराम अतिशय बंधन, बंधन पर बंधन, बंधन पर बंधन लगता जा रहा है, और है वास्तव में यह अज्ञान मूल, अज्ञान से बंधन लगा हुआ। हमको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है और वास्तव में अपने संबंध का, श्री कृष्ण के साथ हमारा जो नित्य संबंध है उसका ज्ञान नहीं है, यही कारण है बंधन का। ये बंधन का मूल कारण है अज्ञान। किसका अज्ञान? आत्मा का अज्ञान, भगवान का अज्ञान। तो यह नष्ट कैसे होगा संसार, हमारा जन्म मरण कैसे बंद होगा? तो ज्ञान होने से। उसी ज्ञान को श्री प्रहलाद महाराज यहाँ कह रहे हैं, जब भगवान का ज्ञान होगा और भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान होगा और उस संबंध के अनुसार हम कार्य करेंगे तो ये अज्ञान खत्म हो जाएगा। इसी को अज्ञान को बीज कहा गया है, बीज अज्ञान है, यही मूल है। अज्ञान मूल, मूल जैसे किसी वृक्ष का मूल होता है, उसकी जड़ है, उसके आधार पर टिका रहता है। तो ये जो हमारा संबंधन है, जन्म मरण है, ये केवल अज्ञान के कारण है। अज्ञान इसका मूल है, अपार्थ है, यह निरर्थक, यह व्यर्थ है, लेकिन जैसे सपना कोई देखता है, सपने में
मान लीजिए वो ये देख रहा है कि मेरा मस्तक कट गया है, तो जब तक वो जगेगा नहीं तब तक मस्तक कटने की वेदना खत्म नहीं होगी, उसे बहुत चिंता होगी, बहुत पीड़ा होगी। कभी कभी सपना देखने के बाद आदमी देखता है कि हमारा मस्तक है वो जगने पर, लेकिन कभी कोई देख सकता है कि मस्तक कटा हुआ है और मस्तक अलग पड़ा है, तो रोएगा, दुखी होगा, और जब तक जगेगा नहीं तब तक दुख दूर नहीं होगा। जो सपने सिर काटे कोई जागे बिन न दूर दुख हो, जब तक जगेगा नहीं तब तक दुख दूर नहीं होगा। तो है वास्तव में बेकार, व्यर्थ वस्तुहीन है, अपार्थ अप अर्थ, जिसमें कोई अर्थ नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। इस संसार में जो जन्म मरण है, वास्तव में जन्म नहीं है, वास्तव में मरण नहीं है, न किसी के साथ वियोग है, न संयोग है, तो सुख दुखादि का जो अनुभव है ये बेकार है जीव के लिए। परंतु वो अज्ञान में है, और जब तक अज्ञान में है, जब तक सपना देख रहा है कोई, तब तक दुख दूर नहीं होगा। इसलिए जगना चाहिए, और जगने का अर्थ मैं पहले बताया भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों में, जगना यही है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु को समझ लेना और उनकी आज्ञा के अनुसार भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यही है जीव की तुरीय अवस्था, स्वरूप सिद्ध अवस्था, मुक्त अवस्था। यदि भक्त भगवान के नाम का उच्चारण करता रहता है, श्रवण करता रहता है, तो वो मुक्त है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब लोटस बिल्डिंग पर टहल रहे थे मायापुर में, सवेरे का समय था, तो उन्होंने वेद से दिखाकर कहा, उगते हुए सूर्य को दिखाकर कहा, देखो सूर्य जब तक आकाश में है तब तक अंधकार का कोई प्रश्न नहीं, इसी प्रकार से जब तक तुम लोगों के या किसी के भी जीव पर भगवान का नाम है तो अज्ञान का नामो निशान नहीं रहेगा, नष्ट होगा। यह सुन करके भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से जप करने लगे, तो हमारे जीव पर भगवान नाम का सूर्य उगा रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। यह अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो रहेगा, यह अज्ञान ही अंधकार है। अज्ञान तिमिर अंध से, अज्ञान रूपी तिमिर से यह अंधा है। तो हम जागृत अवस्था में हैं, परंतु इस जागृत का कोई मूल्य नहीं, ये सपना देखने जैसा है। सपने में परिवार बन गया है, ऑफिस बन गया है, ऑफिस में टाइम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ सपने में हो रहा है। यदि आप विचार कीजिए, कोई व्यक्ति ऑफिस में ना जाए समय पर और सपना देख रहा है कि मैं ऑफिस में गया हूँ और सब काम ठीक से कर रहा हूँ, तो इसका कोई मतलब नहीं। और दूसरे दिन देखे कि उसकी हाजिरी कहीं भरी गई है, वो कहे कि मैं तो था, सपने में आया था ऑफिस में, काम किया था, तो अपार होगा। सपने में ऑफिस अटेंड करने से क्या लाभ। असली जागृत जीवन है
भगवान से संबंधित जीवन। हम भगवान की याद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथाएं सुनते रहते हैं, यह है आत्मा का वास्तविक जीवन और सुखमय जीवन। यह संसार एतत् द्वारा, एतत् का अर्थ है बुद्धि द्वारा, बुद्धि द्वारा ही हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ेंगे और बुद्धि से ही हम मुक्त होंगे। यदि बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, भगवान में लग जाएगी, तो यही हमारे मुक्ति का कारण बनेगी। मन एव मनुष्यानां कारणं बन्धमोक्षे, मन ही मनुष्य को बांधने वाला है और मुक्त करने वाला है। अज्ञान मूलो अपार्थो स्वप्न से पुरुष के लिए, जीव के लिए यही संसार का कारण, लेकिन है वास्तव में झूठा। अपार वस्तु स्थिति कुछ नहीं है, लेकिन सपना की तरह है। तो सपना कोई देख रहा है तो उसको सुखी करने का उपाय क्या है? कोई पास में जगा हुआ आदमी जगा देता है, जगा ये दुखी हमारा सपने में, तो जग जाता है, ठीक होता है। जगने पर कभी कभी व्यक्ति अपने घर में इधर उधर घूमता है, कोई चीज गया है तो नहीं है। यदि सपना में चोरी हो गई घर में, तो सचमुच में जगने के बाद देखता है तो कहीं कोई चोरी नहीं हुई, कोई वस्तु गई नहीं, लेकिन मन ही चोर बन गया, मन ही घर बन गया था और वही ताला तोड़ा, सब कुछ किया। मन ही दुख का कारण हुआ, चाहे मन ही सुख का कारण। यह संसार बुद्धि द्वारा है, ये तो द्वार का कारण होता है। द्वार का अर्थ होता है कारण, जहां से हम प्रवेश करते हैं या निकलते हैं उसको द्वार कहते हैं। ये है हरिद्वार। भगवान बद्रीनाथ का दर्शन यहीं से जाकर करते हैं, इसीलिए साधु संतों ने, ऋषियों ने इसको हरिद्वार कहा है। ये भगवान कृष्ण का द्वार है, यहीं से जाते हैं बद्रीनाथ, भगवान नर नारायण का दर्शन करते हैं, यहीं से गंगा जी भूमि पर बहना चालू करते हैं। पहले वे पहाड़ में रहती हैं, पहाड़ों पर वह खड़ाती हुई बहती हैं, लेकिन यहाँ पर वे पहाड़ से निकल करके जमीन पर आ जाती। द्वारो ही संसार ही कहा जा रहा है अवधारण के लिए। यह संसार जन्म मृत्यु का प्रवाह इसी के कारण है, इसी मन के कारण, बुद्धि के कारण है। गुण कर्म निबंधन, यदि हम इस अज्ञान का नाश नहीं करते हैं भगवान के नाम के उच्चारण द्वारा, तो हमारा जन्म मृत्यु का चक्र पता नहीं कब तक चलेगा। कोई समय की गिनती नहीं कर सकता, कितना कोटि वर्ष लगेगा, कितना अरब वर्ष लगेगा। बार बार हम जन्मते रहेंगे, बार बार मृत्यु के अधीन होते रहेंगे, कोई कह नहीं सकता कब तक। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक भगवान कृष्ण का संबंध हम नहीं समझेंगे और उनके साथ प्रीति नहीं करेंगे, प्रीतिर्न जावन मई वसुदेवे नमुचेते देह जोगेन्द्र तावत,
जब तक जीव भगवान कृष्ण से प्रीति नहीं करता है तब तक देह योग से छूट नहीं पाएगा, देह पर देह मिलेगा और 84 लाख प्रकार के देह हैं। उस साइकिल को पूरा करने में कितना समय लगेगा, अकल्पनीय समय, हमारे कल्पना से बाहर है। कब तक ऐसे मरेंगे, कब तक ऐसे जिएंगे, मतलब शरीर बदलेंगे और शरीर में जन्म लेंगे, इस घोर अज्ञान में ये जीव की बड़ी दुर्दशा है। भगवान का दास जीव सच्चिदानंद हो करके और इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े, उसकी फजीहत हो, ये उचित नहीं है। बड़ी कृपा करके प्रहलाद महाराज ने बच्चों को ये उपदेश दिया है। इस उपदेश को हमें भी ग्रहण करना चाहिए, ये हम ही लोगों के लिए है। अन्यथा भागवत में भगवान वेदव्यास देव जी इसको क्यों रखते, भागवत में इसीलिए रखते हम लोगों के लिए कि ये सब जीव इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने स्वरूप को समझेंगे, भगवान कृष्ण से प्रेम करेंगे और उनका संसार बंधन, जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाए। इसीलिए चूंकि संसार का नाश हो सकता है, जन्म मरण का प्रवाह रुक सकता है, इसलिए प्रहलाद महाराज का तस्मात भवद भी कर्तव्यम, कर्म नाम त्रिगुणात्म नाम बीज निर्धारणम योग। इसलिए मित्रों तुम लोगों का कर्तव्य है कि इस जन्म मरण से मुक्त होने के लिए योग का आश्रय लो, योग कर्तव्य है, योग करो। योग का अर्थ है भगवान से मिलन का उपाय, योग का अर्थ केवल सांसों को कंट्रोल करना नहीं है, आसन लगाना और सांस को कुछ देर रोकना, प्राणायाम, ये सब इसको योग नहीं कहते हैं। ये तो हठ योग है, असली योग है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वह काम वह मंत्र जो हमको भगवान कृष्ण से जोड़े, योग उसको योग कहते हैं। अन्यथा और सब योग की जो विधियां हैं वो योग नहीं है। योग को योग ज्ञान अज्ञान जानने राम प्रेम प्रधान, जहाँ भगवान के प्रेम की प्रधानता नहीं है वो योग योग नहीं कुयोग है, और वह ज्ञान ज्ञान नहीं अज्ञान है। योग कुयोग ज्ञान अज्ञान जहन राम प्रेम प्रधान। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मेरे मित्रों असुर बालकों तुम हमको योग का अभ्यास करना चाहिए। जो योग बुद्धि के प्रवाह को बंद कर देता है, मन को वश में कर लेता है और जन्म मृत्यु का चक्र वहीं से बंद हो जाता है। भगवान से जब मिलन होता है, भगवान का साक्षात्कार होता है, तब जन्म मृत्यु का प्रवाह बंद हो जाता है। जन्म मृत्यु की जो धारा है उसको बुद्धि का प्रवाह कहा गया, तो बुद्धि का प्रवाह बंद हो जाता है।
योग प्रवाह परम दिया दिया बुद्धि का प्रवाह उपरम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अनादि काल से जो हम जन्म में तुम्हें फंसे हुए हैं, जन्म अब जन्म के बाद मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा का दुख, अनेक प्रकार के रोगों का दुख, चिंता भूख प्यास फलानी द्वारा इन सब का प्रवाह बंद हो जाएगा। ये अविच्छिन्न धारा की तरह चल रहा है। जन्म के बाद ये मृत्यु रुकेगी नहीं, होगी ही, और मृत्यु के तुरंत पीछे लगी हुई है, लगा हुआ है जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद फिर मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म। जिस शरीर शरीर बदलता रहेगा, शरीर में मृत्यु लगी रहती है, इसको प्रवाह कहा गया है। प्रकृष्ट वाह प्रवाह, धारा, और इसमें हम फंसे हुए हैं। जीव फंसा हुआ है, तो जीव का जन्म नहीं होता, लेकिन इस धारा में वो पड़ा हुआ है। बार बार ऐसा शरीर लेना पड़ेगा जिसमें उसको मरना पड़ेगा और फिर शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। जाता से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से चल, भगवान कह रहे हैं जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया उसे शरीर लेना है, ये ध्रुव है। यह है प्रवाह, विकराल धारा, उसमें हम पड़े हुए। इस धारा से हम उपरत हो जाएं, तब प्रथम जब बुद्धि के प्रवाह को बंद कर देंगे। बुद्धि का प्रवाह बंद होगा योग से, भक्ति योग से, भगवान को प्रणाम करने से, भगवान का नाम लेने से और भगवान की बातें सुनने से। इस बुद्धि का या जन्म मृत्यु का प्रवाह रुकेगा। एक ही उपाय है, और इस युग में तो और कोई उपाय है नहीं। है, बहुत सी दवाइयां हैं, लेकिन सबका डेट एक्सपायर हो गया है। कोई कोई सतयुग तक चली दवा, कोई त्रेता तक, कोई द्वापर तक, कलयुग चढ़ते चढ़ते एक ही दवा बची, वो है NH औषधि माया नासी बारे लाल हरि नाम महामंत्र लवण, और सबसे कुशल वैद्य भगवान चैतन्य महाप्रभु। किस दवा को लेकर आए, लेकिन एक शर्त करते हैं कि इसे मांगो, इसकी लालसा करो, तब दूंगा। तो इसी पर चित्रवृत्ति रखनी चाहिए कि यही हमारे काम आएगा, यही हमारा धन है, यही मंत्र है, यही सब कुछ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब दूसरे सूत्र में श्री प्रहलाद महाराज भक्ति योग की व्याख्या करेंगे कि भक्ति क्या है। इस प्रकार से प्रवचन की श्रृंखला चल रही है, कंटिन्यूअस सुनने से बहुत अच्छा ज्ञान होता है। बीच बीच में प्रवाह टूट जाने से अच्छा नहीं पड़ता, इसीलिए मैं एक एक श्लोक लेकर के चल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो आत्म अनात्म का विवेक है, कठिन विषय है, कोई भगवान की लीला कहनी चाहिए। कुछ लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये भगवान की लीलाओं से
अधिक महत्वपूर्ण है। यदि किसी को रोग हो गया है तो उससे उसे भोजन की अपेक्षा दवा की बहुत जरूरत होती है, दवा का महत्व। तो ये सब प्रसंग दवा है, इससे हमारा ज्ञान दूर होगा। इसीलिए बहुत सावधानी से, बहुत श्रद्धा से इसको ग्रहण करना चाहिए। जय श्री प्रभुपाद। हरे धन विश्व भोजन भोजन में दे रहे हैं उनको कोई अपराध होता है और भगवान के नाम का भी तिरस्कार होता है। जो काम करने के लिए बैठे हैं वही काम करना है। भगवान के नाम का जप अन्य समय में करना चाहिए, कथा के समय में। जीव का बस क्या है? कुछ भी नहीं। क्लियर कीजिए, मन बुद्धि जड़ है, क्या विश्वास तो वही तो प्रमाण है कि जड़ है। आत्मा पास में है, आत्मा के संकट है, आत्मा की चेतना उसमें आ रही है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि निद्रा क्यों आती है, लेकिन निद्रा नहीं आवे यही तो कहा जा रहा है। तो आज रहने का